विनाश लीला मचा दी है उस दुष्ट वानर ने चहुओर। बंदियों को मुक्त कराकर कारागृह में अग्नि लगा दी। यक्षों के दिव्य अश्वों को स्वतंत्र कर दिया उसने। शस्त्रागार को भस्म कर दिया। वहां रखे समस्त दिव्य शस्त्र भयानक विस्फोट में भस्म हो गए। संपूर्ण लंका में भगदड़ मची हुई है। सभी अपने अपने प्राण बचाकर यहां वहां भाग रहे हैं। लंकेश शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप दया धारण करें और इस राम दूत वानर के वध का विचार त्याग दें। भीषण की बातों में आना सबसे बड़ी भूल थी मेरी। प्रभु के भक्त विभीषण जी का भवन, इस पर कोई आपदा नहीं आ सकती। प्रणाम। उस ओर धनाढ्य राक्षसों के भवन दिखाई दे रहे हैं। वानर ने जो कुछ भी किया था उसके दंड स्वरूप उसका वध तभी कर देना चाहिए था जब हमें अवसर मिला था। अब वो वानर हमारी लंका को जलाने का दुस्साहस कर रहा है। विकराल कुंभकर्ण का भवन, अब ये विशाल राक्षस अवश्य जाग उठेगा। अरे भागो, वानर ने तो यहाँ भी अग्नि लगा दी। हाँ भागो, भागो, अपने प्राण बचाओ। बात हो गया उत्पात। कहाँ है वो वानर? यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं यहां हूं रावण। पूर्वक देखो कहां गया वो धूर्त वानर। रावण, अब दहन होगा तुम्हारे भवन का। प्रासाद में अग्नि लगा रहा है ये वानर। पुष्प
इस प्रकार तुम्हारी पूरी पाप की नगरी लंका जल रही है। तेरा भवन, मंदोदरी महल, शस्त्रागार, कारागार, कोई भी स्थान नहीं छोड़ा इस तुच्छ वानर ने। तेरी स्वर्णमय लंका मेरे ही नेत्रों के सामने धू धू करके चल रही है। रावण, अब तक तो तुम्हारे अत्याचारों के बोझ तले दबकर धरती चिल्लाती, अब तुम चिल्लाओगे। बहकती हुई लंका को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव की तृतीय नेत्र की प्रचंड अग्नि। ये तो आरंभ है भी पाप के अंत का। किस प्रकार तुम्हारी सोने की लंका पिघलकर मिट्टी में मिल रही है। माता सीता, हे प्रभु, ये तो पूरी लंका का ही दहन कर दिया मैंने। कहीं ये प्रचंड अग्नि माता सीता तक ना पहुंच गई हो। हनुमान, ये पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? तुमने दिखा ही दी ना अपनी वानर बुद्धि। कहीं यहां आने का उद्देश्य ही ना मिट गया हो। नहीं नहीं, हे प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। माता सीता को सुरक्षित रखिए प्रभु। मुझे माता सीता के समक्ष जाना होगा। हाँ, अब तो तुमको विश्वास हो गया ना कि मेरा स्वप्न सत्य हो रहा है। देवी सीता को प्रताड़ित करने वाले लंकेश और उनका जो भी साथ दे रहे हैं सबको दंड मिलना आरंभ हो चुका है। अग्निदेव ने सत्य कहा था, अग्नि लगेगी तो हनुमान की पूछ में, किंतु अग्नि की ताप का आभास संपूर्ण लंका को होगा। ये आपके पतिव्रत धर्म के तेज से भड़की हुई अग्नि है। लंकेश जिसे सौंदर्य का दीप समझकर अपने भवन में उजाला करने के लिए छल से लाए थे, आज उसी दीप के कारण उनका भवन ही नहीं उनकी प्रिय लंका का भी दहन हो रहा है। और यही नहीं, राक्षसियों ने आपको प्रभु श्री राम की भार्या को प्रताड़ित करके अपने मृत्यु को आमंत्रित किया है। क्षमा देवी सीता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम तो मात्र सेविकाएं हैं जो स्वामी लंकेश की आज्ञा का पालन कर रही थी। हमें क्षमा कर दीजिए देवी, हमें क्षमा कर दीजिए देवी। जय श्री राम। भागो, अन्यथा ये हमारा भी अंत कर देगा। भागो, भागो। जय श्री राम। हनुमान सकुशल है। धन्यवाद प्रभु।
धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद जो अग्नि सीता माता के निकट नहीं पहुंच पाई। प्रणाम माता। क्षमा माता, लंका को प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास कराने में ऐसा लीन हो गया कि मुझे ज्ञात ही नहीं रहा। जिस लंका का दहन कर रहा हूं वहां स्वयं आप भी उपस्थित हैं। यदि उस अग्नि से आपको कुछ हो जाता तो प्रभु श्री राम की सौगंध मैं स्वयं को भी उसी अग्नि में झोंक कर अपने प्राण त्याग देता माता। पुत्र हनुमान, निश्चिंत रहो, एक छोटी सी चिंगारी भी यहाँ तक नहीं पहुंची। जय श्री राम। तुम्हें तो स्वयं पर गर्व होना चाहिए। मात्र एक तुच्छ वानर इतना सब कुछ कर गया। कुकर के मैंने प्यार खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ कुछ करो। विशेष रूप से कुंभकर्ण प्रसाद की अग्नि बुझवाओ और सभी रक्ष योद्धाओं के प्राण बचाने में सहायता करो। जाओ। अपनी लंका को पूर्व स्थिति में ले आऊंगा मैं, किंतु इस लंका की अग्नि बुझने से पहले उस धूर्त बानर को इसी अग्नि में झोंक कर उसके जीवन की ज्योति समाप्त कर दूंगा मैं। माता, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा एवं आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए, जिससे कि मैं शीघ्र प्रभु श्री राम के पास जाकर आपका संदेश दे सकूं। हाँ पुत्र। आशा में ही अटके हुए हैं, अब और प्रतीक्षा ना कर। अवश्य माता, अवश्य ऐसा ही होगा माता।
शहर मेरी लंका को ऐसे तहस नहस करके नहीं जा सकता। अवश्य ही वो सीता के पास गया होगा। मैं स्वयं अपने हाथों से उसकी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। पिताश्री, अब उस दुष्ट वानर का अंत मैं ही करूंगा। अब और जीवित नहीं रहेगा वो वानर। देख रहा हूं कि प्रभु श्री राम आपके साथ ही हैं। हां माता, पूर्व में उसे जीवित लाकर जो भूल की थी मैंने, उसे सुधारने का अवसर दीजिए पिताश्री। एक तुच्छ वानर आपको चुनौती देने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? उस पर प्राण घातक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करूंगा और शीघ्र ही उसकी मृत देह को लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। तो पुत्र, बहुत मायावी है वो दंड वानर। परंतु मुझसे बड़ा मायावी नहीं हो सकता वो तुच्छ वानर। और वैसे भी मात्र एक दूत को पकड़ने के लिए ये आप जैसे महाबली को शोभा नहीं देता पिताश्री। ठीक है, जाओ पुत्र। वो दुष्ट वानर उस वनवासी के पास लौटे, उससे बोल भी उसका अंत कर दो। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। वानर, मेघनाथ, पकड़ो उस वानर को जाने न पाए। अभिमानी और अधर्मी शत्रु के अहंकार को नष्ट करने के लिए हमें चेतावनी स्वरूप शत्रु को अपनी शक्ति का आभास करा देना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।